आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, लहसुन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ये हम सब जानते हैं। बिना इसके खाने में भी स्वाद नहीं आता है। ज़्यादातर पकवानों में लहसुन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियों में लहसुन के प्रयोग से बचना चाहिए। आइए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको लहसुन कब नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए। अगर आपको रक्तचाप की समस्या रहती है तो ऐसे में कुछ ज़्यादा लहसुन के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका रक्तचाप कम हो सकता है। अगला है एनीमिया। अगर ज़्यादा मात्रा में लहसुन खाते हैं तो एनीमिया के मरीजों को बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लहसुन खाने से हीमोलाइटिक एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। अगला है लीवर इन्फेक्शन। अगर आपको पहले से ही लीवर में प्रॉब्लम है तो लहसुन के सेवन से परहेज करें, क्योंकि ज़्यादा लहसुन खाने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगला है पेट की समस्या। अगर आपके पेट में गड़बड़ी रहती है तो लहसुन का सेवन ना करें। इसके अलावा अगर पेट का अल्सर, डायरिया हो तो भी आपको लहसुन खाने से बचना चाहिए। अगला है होम्योपैथिक दवाइयों का। अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको लहसुन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक एक्सपर्ट बताते हैं कि उनकी दवाओं में कभी भी लहसुन का प्रयोग करने वाले लोगों पर दवा असर नहीं करती। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।